हेलो एंड गुड इवनिंग, मैं शैलेश आप सभी के चैनल समझाशा पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़ रहे हैं महादीपों के बारे में, यानी जीके का क्लास है। और इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चौथे सबसे बड़े महाद्वीप का, यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में कवर किया था, अफ्रीका महाद्वीप पर कवर किया था, और एशिया महाद्वीप के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। तो इसी प्रकार आज हम लोग जानेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएं, क्लास को शेयर कर देंगे, क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हमने बताया था आपको कि तीसरा जो सबसे बड़ा, ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप का बात करें तो कौन सा बच्चों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उसके बाद आता है चौथे नंबर पे, यानी चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बच्चों? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। यानी साउथ ईस्ट अमेरिकन अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते हैं, साउथ ईस्ट अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। इससे पहले हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट अमेरिका कॉन्टिनेंट को क्लियर किया था, ठीक है, क्लियर है बच्चों। अगर इसके अगर स्थल की बात करें, भूमि को इसके स्थलों को सात भागों में बांटा गया है। वहीं अगर बात करें हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, तो उसको कितने भागों में बच्चों? उसको तीन भागों में बांटा गया है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद मध्य अमेरिका, और ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका हम लोग मानते हैं, ठीक है, उसका, ठीक है बच्चों, वो वाला जो था उसका, ये नहीं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, नहीं, वो उत्तरी अमेरिका के भाग थे, तीन भाग। तो इसमें भी सात भाग हैं, इसके सात भाग कौन कौन से हैं, उन सातों स्थलों को जानेंगे हम लोग। दक्षिणी अमेरिका के सातों भागों हम लोग जानेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है, इसको हम लोग जान जाते हैं कौन कौन से, सात भाग देख लेते हैं कौन कौन से, तीन चार पाँच छः एंड ये सात, ठीक है, इनके हम लोग समझ लेते हैं आखिर कौन कौन से भाग है, क्या कौन कौन से भाग हैं, इनको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पहला अगर भाग बात करें हम लोग, ठीक है, ये सब स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे, एंडीज पर्वत का, ठीक है, एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत पहला भाग है, यानी एंडीज पर्वत के आसपास का जो चीज है वो पहले भाग में। पराना पठार दूसरा है, पराना पठार, तीसरा अगर बात करें भाई बच्चों, ठीक है, तीसरा अगर कर ले तो ब्राजीलिया शील्ड, ठीक है, ब्राजीलिया शील्ड, ठीक है बच्चों, यानी ये तीसरा है, ये दूसरा है, ये पहला है, ऐसे आप लोग नोट करते चलिए, ब्राजीलिया शील्ड नोट करते चलेंगे तभी ठीक है, नहीं तो इसमें भी घालमेल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ऐसे हम लोग बात करें चौथा का, ठीक है, चौथा का अगर बात करें तो तटीय मैदान, ठीक है, यानी जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, समुद्र के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं, ठीक है, तटीय मैदान हो गया। उसके बाद ऐसे ही बच्चों पराना परागवे का पठार, अमेजन बेसिन, ठीक है, परागवे का पठार हो रखा है। उसके बाद ऐसे ही बच्चों अमेजन बेसिन, ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाला अगर बात किया जाए लास्ट भाग का, तो ओरिनोको बेसिन, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स और लाइक कर दें, बहुत ज्यादा गर्मी है बच्चों। इतनी गर्मी में तो है ना बच्चों, ठीक है, इतना नोट हो गया।
इतनी गर्मी है स्टूडियो में, इतना ज्यादा गर्मी है, पंखा नहीं चला सकते क्योंकि आवाज उसमें जाएगा। ठीक है, हो सकता हो गया। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये सात भाग हम लोगों ने समझा। ठीक है, ठीक है, यानी ये जो है इसके सात भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वहीं पर अगला अगर बात कर ले हम लोग आगे की चीजों पर, हम लोग नजर दौड़ाए। एक मिनट बच्चों, क्या हुआ? ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों, वो इशू आ गया था कुछ। अब अगर बात करें हम लोग इसके आगे का भाग का, तो एंडीज पर्वतमाला जो मैंने बताया अभी, एंडीज पर्वत जो इसका पहला भाग है, एंडीज पर्वत यहाँ का सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे लंबा है पर्वतमाला है। ठीक है, एंडीज, ऐसे एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, पर्वतमाला। अब देखिए पर्वतमाला क्या होता है, ये चीज समझते हैं। जैसे कोई पर्वत हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया पर्वत, ऐसे होते हैं ना पहाड़, तो ये जो होते हैं ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो ये चीजें होती हैं, ये ऊंचाई और ये सबसे ऊंची चोटी, नीचे चोटी, ये जो चोटियां होती हैं बच्चे, इन्हें मिला के क्या कहते हैं, पर्वतमाला कहते हैं। ठीक है, तो ये एंडीज पर्वत क्या है, सबसे लंबा, ये दक्षिण अमेरिका का बात हो रहा, ठीक है, सबसे लंबा, लंबा यानी अब सबसे लंबा है, कितना इसकी लंबाई बच्चों, 6440, ठीक है, 6440 ये जो है बच्चों, 6440 है वो किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर यानी ऐसा है ना कि ये पूरा, क्योंकि उसके आसपास का जो क्षेत्र होगा ना वो 6440 किलोमीटर है। क्लियर है बच्चों, मतलब क्लियर है ये चीजें, हाँ हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यानी एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबा है वहां का पर्वतमाला। ठीक है, क्लियर है, बहुत सही, शानदार, आगे बढ़ते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। वो एक्चुअल में यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज्यादा है और बच्चों का शोरगोल जो है बहुत ज्यादा है, तो उन्हीं की एक बच्चा था उसी की माँ उसको डांट रही थी। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते। ठीक है, स्टूडियो में आवाज आ रहा था। ठीक है, बहुत सही। तो ये जो है, ठीक है, हाँ, और एक चीज यहाँ पर, ये जो मध्य ब्राजील है, ठीक है, यहाँ पर यहीं पर ब्राजील देश है, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या है, ब्राजील है। ठीक है, तो मध्य ब्राजील, ठीक है, मध्य ब्राजील जो है, मध्य ब्राजील में एक प्रकार की घास होती है बच्चों, ठीक है, एक प्रकार का घास होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैंपोस कहते हैं। ठीक है, मध्य ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, बंधीय घास को क्या कहते हैं बच्चों, मैंने बताया कैंपोस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैंपोस, कैंपोस कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ये चीजें कैंपोस। अगर पूछा जाए क्या कहते हैं कैंपोस, क्या होता है, तो मध्य ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में जो घास उपजता है उसको कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं मध्य ब्राजील में, उसको क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, मध्य ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। अब अगर यहाँ का देश का बात किया जाए, तो जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, इस महाद्वीप में कुल 12 देश है। ठीक है, इस महाद्वीप में कितने देश है बच्चों, इस महाद्वीप में, इस महाद्वीप में 12 देश है। ठीक है, 12 देश हैं। अब देखेंगे हम लोग उसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने थे देश थे बच्चों, उसमें छोटे बड़े कुल मिला के 23 देश थे। ठीक है, यानी 23 कंट्रीज थे, और इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 12 कंट्रीज है। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक, बहुत सही। अगर बात करें एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जैसे हमारे यहाँ की हिमालय जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है बच्चों, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट है, और जिसकी लंबाई 8800 पूरे विश्व का है। ठीक है, 8848 किलोमीटर, यानी 50 भी हो सकता है, 8850 मीटर है। ठीक है, मीटर, ठीक है, इतना मीटर है हमारे
हिमालय का पर्वतमाला में जो माउंटेन एवरेस्ट है उसका, ठीक है, माउंटेन एवरेस्ट का इसका नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं, माउंटेन माउंटेन एवरेस्ट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है ये इसका नहीं है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 8,850 लिख दीजिए मीटर है, ठीक है, इतना मीटर यानी 8 किलोमीटर, लगभग लगभग 9 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमारे यहाँ एशिया महाद्वीप का है, ठीक है। तो ऐसे ही एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का अगर बात करें तो वो है बच्चों, उस चोटी का नाम है एंकाकुआ, माफ कीजिएगा ऐसे नाम अजीब वो है, एंकाकुआ गुआ, ठीक है, एंकाकुआ एंकाकुआ जिसका उसका अब इसका ऊंचाई का बात कर लें तो ये कितनी ऊंची है बच्चों, ये 6,960, ठीक है, 6,960 मीटर है, इतना मीटर है, ठीक है बच्चों, यानी लगभग लगभग 7 किलोमीटर है, ठीक है, क्लियर है, 1 किलोमीटर इससे छोटा है, ठीक है, ये चीज समझ सकते हैं, हो गया वहां तक नोट। माउंटेन एवरेस्ट पूरे विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, पर्वत शिखर है, ठीक है, और एंडीज पर्वत का एंका का गुआ जो है वो 6,690 मीटर है, जो कि इससे कम, ठीक है, क्लियर है, एंडीज पर्वत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक मिनट बच्चों, ठीक है, एक्चुअल में बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, और इतनी गर्मी हो रही है ना बच्चों कि पूरा गला सूख जा रहा है और बाकी इतने ज्यादा पसीने हो रहे हैं, अब क्या बताएं आपको, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ तक क्लियर है बच्चों, हाँ, और एंडीज जो पर्वत है, एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत यहाँ पर देखेंगे, एंडीज पर्वत मैंने बताया ना अभी, वैसे लिख लीजिए, एंडीज पर्वत जो है पर्वत वो विश्व का, ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतमाला है, ठीक है, पर्वतमाला है, ये कैसे इसको समझते हैं, जो माउंटेन यानी हिमालय है, हिमालय जो है पहले नंबर पे, पूरे दुनिया का पहले नंबर पे है, जो सबसे लंबा वो सबसे बड़ा पर्वतमाला है, लेकिन अब अगर बात करें दूसरे पर्वत का, पर्वतमाला का, तो वो एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, हाँ, ये सब चीजों को हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है, इसकी जो एंकाकुआ जो चोटी है उसका कितना किलोमीटर कितना मीटर है ऊंचाई, 6,960 मीटर, ठीक है, यानी किलोमीटर का बात करें तो ये लगभग लगभग 7 किलोमीटर ऊंचा है इसकी चोटी एंकाकुआ का, ठीक है, क्लियर है बच्चों, बहुत सही, शानदार। इस महाद्वीप में कितने हैं, 12 देश है, ठीक है, और वहां पर इसी महाद्वीप में अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना जो है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है, कृषि प्रधान देश है, प्रधान देश है, ठीक है, ये इसका बात हो रहा है, अमेरिका महाद्वीप का अर्जेंटीना जो है कृषि प्रधान देश है, जैसे हमारे यहाँ भारत एशिया महाद्वीप का अगर बात करें तो भारत और चाइना कृषि, ठीक है, भारत का अगर बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे ही अर्जेंटीना जो है वो दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का गया बच्चों कृषि प्रधान देश है, सबसे अधिक कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और अगर कॉफी का बात करें, कॉफी जो हम लोग पीते हैं, कॉफी का अगर बात करें, कॉफी का उत्पादन विश्व के प्रथम पर ब्राजील का है, ठीक है, ब्राजील करता है उत्पादन, ठीक है, करता है, यानी जो कॉफी है वो कॉफी का उत्पादन जो है विश्व भर में, ठीक है, पूरे विश्व में कॉफी का उत्पादन ब्राजील जो है पहले नंबर पे करता है, इसके ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, यहाँ तक क्लियर है, तो ये चीजें, ये जो कुछ पॉइंट्स होती हैं इन्हें हमें समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, ठीक है,
और यहाँ पर ये दक्षिणी अमेरिका जो है, यहाँ पर पेरू है, ठीक है। पेरू जो है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में मत्स्य पालन, मत्स्य पालन पालन सर्वाधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक होता है। यानी पेरू जैसे वहां पर था, किसमें बच्चों, मछली पालन, उत्तरी अमेरिका में अगर बात करें, उत्तरी अमेरिका में जो मछली पालन का बात था वो किस देश में था, वहाँ किस देश में सबसे ज्यादा मछली का पालन होता था, वो भी पूरे विश्व भर में, आप लोग बताएं कमेंट में। बताइए आप लोग। बताइए। बहुत सही, सेंटीपीड, ठीक है, सेंटीपीड में। ऐसे ही पेरू जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा मत्स्य पालन होता है, यहाँ पर पेरू नामक देश में, ठीक है। बहुत सही, शानदार। गर्मी हो रही, थोड़ी अच्छी भी नहीं लग रही चीजें, तो गर्मी में चीजें अजीब हो जाती है ना। बहुत सही, शानदार। और एक देश है यहाँ पर उरुग्वे, ठीक है, उरुग्वे, उरुग्वे जो देश है, उरुग्वे देश है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ सबसे, उरुग्वे जो देश है बच्चों, ठीक है, उरुग्वे जो है वो यहाँ पर यहाँ सबसे अधिक अधिक नगरीकृत है। यानी उरुग्वे जो देश है वहां पर जो देश के भीतर है वहां पर सबसे ज्यादा नगर की मात्राएं हैं, यानी वो वहाँ उस देश में नगरीकृत व्यवस्था ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है ये चीजें, ठीक है, बहुत सही, शानदार। और यहीं पर इक्वेडोर है, ठीक है, इक्वेडोर में सर्वाधिक, सबसे, माफ कीजिए, इक्वेडोर में सबसे अधिक, सबसे अधिक सक्रिय, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी है, कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में है, वो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में एक देश है, ठीक है, इक्वाडोर में। तो यहाँ पर जो है ज्वालामुखी, जो कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी है, सबसे ज्यादा सक्रिय और वहीं पर है, ठीक है, क्लियर है, बहुत सही। बहुत सही, शानदार, ठीक है। तो ये चीजें, ठीक है बच्चों, क्लियर है, हाँ, सभी लोग नोट कर लीजिए और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो शेयर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हो गया नोट बच्चों, बहुत सही। तो ये चीजें कुछ हमने आपको बताया, जो कि इस महाद्वीप से बहुत अच्छी जानकारी हमने आपको बताया, और ये चीजें यहाँ की हैं, ठीक है, और आपको, आपकी जानकारी के लिए आपके पेपर में ये सब चीजें पूछी जाए तो आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएगी, उपयोगी हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार एंड टेक केयर, गुड नाइट।